पढ़ाएंगे। जैसे जो इटली में पुनर्जागरण हुआ था वही तो पुनर्जागरण का जो जन्म हुआ वो इटली में हुआ, लेकिन यह पुनर्जागरण पूरे यूरोप में फैल गया था और हम वही आपको पढ़ाएंगे। उससे संबंधित जो भी कलाकार हैं उनको पढ़ाएंगे और यह क्या था पुनर्जागरण काल जर्मनी में, इस पर किसका प्रभाव था, इन सभी विषयों पर बात करेंगे। तो जर्मनी में पुनर्जागरण व्यवस्था या पुनर्जागरण काल, जर्मनी या जर्मन पुनर्जागरण काल, जर्मनी में पुनर्जागरण, इसका जो जन्म होता है वह पुनर्जागरण हुआ कहाँ, इटली में। इसका जन्म इटली देश में होता है और यह पूरे यूरोप के देशों में फैलता है, पूरे यूरोप के देशों में ये फैल जाता है। यह एक कला आंदोलन है जो जर्मनी में पुनर्जागरण काल है या इटली में पुनर्जागरण काल है, ये एक क्या है, कला आंदोलन है। यह एक कला आंदोलन था। पहले के जो चित्रकार हुआ करते थे एक ही विषय पर चित्रकारी कर रहे थे, जिससे उबकर यहाँ के कलाकारों ने नया विषय चुना और यही है पुनर्जागरण। जब जर्मनी में पुनर्जागरण हुआ तो वह दो चीजों में हुआ, एक मूर्ति कला के क्षेत्र में और दूसरा चित्रकला के क्षेत्र में। और जो पहले से चला आ रहा था वास्तुकला, उसको यहाँ पर बिल्कुल भी टच नहीं किया गया। मतलब जो वास्तुकला पहले से चली आ रही थी, चाहे वो बेजेंटाइन कला रही हो, चाहे वो गोथिक कला रही हो, चाहे वो यूनान की कुछ वास्तुकला, कुछ मूर्ति कला रही हो, उन पर कोई भी कार्य यहाँ पर नहीं हुआ। यहाँ पर मतलब जर्मनी में पुनर्जागरण हो चाहे इटली में पुनर्जागरण हो, विशेष कार्य वास्तुकला को लेकर नहीं हुआ है, चित्रकला और मूर्ति कला पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो इन दोनों पर कार्य हुआ, मूर्ति कला और चित्रकला पर, और किस पर नहीं हुआ है, तो वास्तुकला पर नहीं हुआ है। वास्तुकला के क्षेत्र में कोई कार्य नहीं हुआ। वास्तुकला के क्षेत्र में कोई कार्य नहीं हुआ था। किसमें हुआ है, तो मूर्ति कला पर हुआ है और चित्रकला पर हुआ है। पुनर्जागरण जो जर्मनी में पुनर्जागरण हुआ उस पर जो प्रभाव रहा है वह इटली का ही रहा है। कैसे, मतलब जब इटली में पुनर्जागरण हुआ तो इटली का ही प्रभाव इस पर रहेगा। इसके साथ साथ अन्य देशों का भी प्रभाव रहा, जैसे फ्लांडर्स, इसका भी प्रभाव जर्मन की कला पर था, जर्मन में पुनर्जागरण पर इसका भी प्रभाव था, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रभाव हुआ वह इटली का हुआ।
तो है तो दोनों का प्रभाव। जर्मनी में जो अभी हम लोग इसके पहले क्लास में पुनर्जागरण काल पढ़े थे, जिसमें हाई रिनेंसा को हमने पढ़ा था, उच्च पुनर्जागरण काल को, जिसमें लियोनार्डो, माइकल एंजिलो और रैफेल जैसे कलाकार थे। अब वही पुनर्जागरण काल पूरे यूरोप के कंट्रीज में फैला और हम आज की क्लास में जर्मनी में पुनर्जागरण काल को पढ़ रहे हैं। और पुनर्जागरण काल का जो जन्म हो रहा है वह इटली में हो रहा है, और जो जर्मनी में पुनर्जागरण काल हुआ उस पर इटली का और फ्लैंडर्स का, फ्लैंडर्स मतलब डच, नीदरलैंड या हॉलैंड, इसका भी प्रभाव पड़ा। लेकिन सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ा वह पड़ा इटली का, क्योंकि इटली से ही जन्म हो रहा है, इसलिए सर्वाधिक प्रभाव इटली का रहेगा। अब इन लोगों ने काम क्या किया, इन लोगों ने जो जर्मनी में पुनर्जागरण हुआ उसमें इटली के पुनर्जागरण के तीन नियम इन्होंने ले लिए। तीन नियम पर जर्मनी की कला चलती रही। अब ये तीन नियम कौन कौन से हैं? एक तो जो इटली का बहुत फेमस नियम था वह था परिप्रेक्ष्य, इसको इंग्लिश में कहते हैं पर्सपेक्टिव। दूसरा था शरीर क्रिया विज्ञान, और जो तीसरा नियम था वह था शास्त्री वास्तुकला, इन्हीं तीनों नियमों पर आधारित था जर्मनी का पुनर्जागरण काल। और ये तीन नियम जर्मनी के लोगों ने लिए कहां से थे? इटली से लिए थे। इसीलिए हमने आपको अभी बताया कि इटली की कला का प्रभाव सबसे ज्यादा जर्मनी पर हुआ था। अब जर्मनी के प्रमुख चित्रकारों को पढ़ेंगे। कभी भी पूछा जाए जर्मनी में पुनर्जागरण काल क्या है, यह एक कला आंदोलन है। और जर्मनी का ही नहीं, पूरे यूरोप के कंट्रीज का अगर पुनर्जागरण काल पूछा जा रहा है वह एक कला आंदोलन ही होगा। अब जर्मनी से संबंधित जो महत्वपूर्ण चित्रकार हैं उनकी बात करेंगे। जर्मनी के महत्वपूर्ण चित्रकार, मतलब जर्मनी में जो पुनर्जागरण हुआ उसमें कौन कौन से चित्रकार शामिल थे, किसने किसने कार्य किया है, उनकी बात करने जा रहे हैं। जो पहला चित्रकार रहा, जो बहुत महत्वपूर्ण चित्रकार रहा, उन सभी को देखेंगे। मार्टिन शानगौर, एक तो ये चित्रकार रहा। दूसरा अल्बर्ट ड्यूरर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, टीजी पीजी नेट ज्यारा सबके लिए इम्पोर्टेंट है। अल्बर्ट ड्यूरर, मार्टिन शानगौर भी इम्पोर्टेंट है, ड्यूरर भी महत्वपूर्ण है। कॉनरेड मीट, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसको हम सिर्फ ये जाने कि ये किस वाद में काम किया है, किस जागरण में इसका रोल रहा है। लुका क्रेनेक, ये कौन, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना ड्यूरर और शानगौर। लुका क्रेनेक भी इम्पोर्टेंट है। ग्रूनवाल्ड,
अगला चित्रकार था जो जर्मनी का, वह था ग्रूनवाल्ड, या इसी को ग्रूनवाल्ड के नाम से भी जाना जाता है। ग्रूनवाल्ड के नाम से भी जाना जाता है। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण हांस हॉलबिन, हांस हॉलबिन बहुत इंपॉर्टेंट कलाकार है नेट के लिए, हांस हॉलबिन। इसके साथ साथ माइकल पेचर, माइकल पेचर और माइकल वॉल, ये दोनों कलाकार अलग अलग हैं, माइकल पेचर और माइकल वॉल। आल्ब्रेस्ट आल्ड फोल्डर, इतने चित्रकार को पुनर्जागरण, कहां का पुनर्जागरण? जर्मनी का। जर्मनी के पुनर्जागरण में हम लोग पढ़ते हैं, उसमें हमने आपको बताया हांस हॉलबिन महत्वपूर्ण है, ग्रूनवाल्ड बहुत थोड़ा, लुका क्रेनेक अच्छे से पढ़ना है, कॉनरेड मीट को जानना है ये किससे संबंधित है, बस अल्बर्ट ड्यूरर को खूब अच्छे से पढ़ना है, मार्टिन शानगौर को भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब हम एक एक कलाकार पर फोकस करेंगे। एक कलाकार में सबसे पहला कलाकार जो था अभी हमने शुरू किया था, मार्टिन शानगौर था, तो हम मार्टिन शानगौर को पढ़ाने चल रहे हैं। मार्टिन शानगौर का जन्म जर्मनी में होता है और ये टीजीटी पीजीटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, मार्टिन शानगौर, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, अभी हम आपको बताएंगे कैसे महत्वपूर्ण है। मार्टिन शानगौर नेट के लिए इम्पोर्टेंट है। इसका जन्म कोलमार, ये कोलमार कहाँ है? कोलमार जर्मनी में है, जर्मनी के कोलमार में हुआ था, कोलमार जर्मनी के कोलमार में इसका जन्म 1450 से, इसका जो समय है वह 1450 से 1491 के मध्य यह जीवित रहता है। इसका जो समय है वह 1450 से लेकर 1491 है। इसकी प्रसिद्धि जो है वह चित्रकार के रूप में और छापा कलाकार के रूप में थी। छापा कलाकार का मतलब समझते ही हैं, ग्राफिक आर्टिस्ट। अगर हम मुख्य रूप से बात करें इसकी प्रसिद्धि हम चित्रकार को लगाएं या छापा कलाकार को लगाएं, तो इसकी जो प्रसिद्धि होगी वह होगी इनग्रेविंग के लिए, छापा चित्रकला के लिए, छापाकार के लिए होगा। यह एक अच्छा उत्कीर्णक था, इनग्रेवर था, इनग्रेविंग में इसका बहुत कार्य है, तो यह इनग्रेविंग के लिए ज्यादा फेमस है, ये इनग्रेवर है। छापा कलाकार में इनग्रेविंग उत्कीर्णन का कार्य ये करता था। इसके चित्रों पर जो प्रभाव रहा वह गोथिक शैली का प्रभाव रहा। गोथिक का प्रभाव रहा। और वहां के चित्रकार रोजर वॉन डर वीडन, रोजर वॉन डर वीडन, इनका भी प्रभाव इसके जीवन पर पड़ा। मार्टिन शानगौर के जीवन पर रोजर वॉन डर वीडन का भी प्रभाव पड़ा। यह नक्काशकार था या इंग्रेविंग कार था, यह
या उत्कीर्णन चित्रकार था। मार्टिन सांगौर के चित्रों की विशेषता को देखेंगे, क्या विशेषता इसके चित्रों की रही है? मार्टिन सांगौर के चित्रों की विशेषताओं को देखेंगे, इसकी विशेषता रेखा अलंकारिक व अभिव्यंजनात्मक थी। इसके चित्रों की रेखाएं अलंकारिक एवं अभिव्यंजनात्मक हैं। अलंकारिक एवं अभिव्यंजनात्मक है इनके चित्रों की रेखाएं। उड़ती हुई आकृतियां, चित्रों में उड़ते हुए वस्त्र बनाए हैं इन्होंने। एक तरीके से परियों का चित्रण, उड़ती हुई अप्सराओं का चित्रण इन्होंने किया है। संयोजन में आकृतियों और रेखाओं के बीच में संघर्ष दिखाया गया है। रेखाएं अलग बोल रही हैं, आकृतियां अलग बोल रही हैं। इन दोनों के मध्य होता हुआ संघर्ष दिखाया गया है। इन दोनों के मध्य संघर्ष को दिखाया गया है। मार्टिन सांगौर ने बहुत कम रंगीन चित्रों को बनाया, जबकि बहुत ज्यादा रेखा चित्रों का निर्माण किया। रंगीन चित्र कम बनाए, रेखा चित्रों का अधिक निर्माण किया। आगे देखते हैं इनके द्वारा प्रमुख चित्र, कौन कौन से चित्र इन्होंने बनाए हैं। तो मार्टिन सांगौर के प्रमुख चित्र की बात करेंगे। मार्टिन सांगौर के प्रमुख चित्रों में मैडोना का चित्र, ये रंगीन चित्र है मैडोना का, यही एक चित्र इसने बनाया ही है जो रंगीन है। मैडोना का चित्र ये कलर से बना है, रंगों से बना है, रंगों का प्रयोग इस चित्र में किया है। होली फैमिली, होली नाइट, होली नाइट मतलब पवित्र रात। होली नाइट पवित्र रात। गुलाब बाग में मारिया, ये बहुत फेमस चित्र है, महत्वपूर्ण भी हो सकता है। गुलाब बाग में मारिया, इस चित्र में एक बूढ़ा व्यक्ति मारिया के जस्ट बगल में बैठा हुआ है और वो हाथों में गुलाब लिए हुए है और उसके चारों ओर वातावरण परिवेश में गुलाब ही गुलाब बनाए गए हैं। ये चित्र मार्टिन सांगौर का
बहुत प्रसिद्ध चित्र है, गुलाब बाग में मारिया का चित्र। इसी का चित्र है होली फैमिली, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तक आपने होली फैमिली के लिए माइकल एंजिलो को जाना था। होली फैमिली माइकल एंजिलो का चित्र है, पवित्र परिवार। लेकिन मार्टिन शामगौर का भी है होली फैमिली, तो दोनों का चित्र है। पहले आंसर में माइकल एंजिलो को टिक कर लेंगे, नहीं रहेगा तो मार्टिन शामगौर को भी टिक कर लेंगे, ध्यान दीजिएगा इस बात का। अगला जो कलाकार है जर्मनी का पुनर्जागरण का, वो इससे भी महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है अल्बर्ट ड्यूरर। तो कल की क्लास में हम लोग अल्बर्ट ड्यूरर को चित्र समेत पढ़ेंगे, चित्रों को दिखाकर, क्योंकि अल्बर्ट ड्यूरर बहुत फेमस कलाकार है, बहुत बड़ा इंग्रेवर है और उससे प्रश्न टीजी पीजी नेट सब में आते हैं। तो इसको हम और विस्तार से कल की क्लास में पढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच, आज की क्लास में इतना ही रहेगा और कल से एक एक पेपर भी आपकी क्लास में सॉल्व कराते रहेंगे। थैंक यू।